Hi guys, so I'm back to YouTube after 3 long months of break. It wasn't a break for me because I was doing a couple of things which you guys have been seeing on my social media. So yes, thoda sa main usme busy thi aur like you know I just couldn't take out time for like you know making videos, which is completely my fault because I should have continued that. So nevertheless, I'm back now. एंड आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी. इट्स अ साउथ इंडियन रेसिपी. इट्स अ वेरी पॉपुलर स्ट्रीट फूड एज यू ऑल नो. मसाला डोसा विथ कोकोनट चटनी, विच इज़ माई फेवरेट. सो या ये वीडियो भी शायद मैं नहीं बनाती. आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल जेमी. शी इज़ फ्रॉम केरला एंड टुडे आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर लाइक यू नो आई वाज आस्किंग हर एक्चुअली हाउ टू मेक दिस चटनी बिकॉज आई हैवंट मेड इट लाइक यू नो इन माई लाइफ. And she told me, why don't you like you know make your YouTube videos? And I was like, yeah, I should make it. So this video is kind of like you know dedicated to her. And thank you, Jemmy, for that. So let's start without any further ado. जो होता है वो मैंने बाहर से लिया था. आप घर पे बना सकते हैं. उसकी रेसिपी मैं बाद में डाल दूंगी. बट इसको मैंने जो डोसा का बैटर होता है वो मैंने अपने बाहर से लिया है. मसाला डोसा बनाने के लिए जो हमको आलू का लाइक यू नो मिक्स चाहिए होगा उसके लिए पहले मैंने कुकर चढ़ा दिया है और उसमें अब मैं आलू अपने डाल दूंगी ताकि वो बॉयल हो जाए. तो बिकॉज हम सिर्फ 2 लोग हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी. आई थिंक 4 से 5 आलू काफ़ी होंगे और अब मैं उनको सीटी लगा के उबाल लूँगी. जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं तब तक हम बना लेंगे कोकोनट चटनी. तो सबसे पहले उसके लिए हम ग्रेट कोकोनट ले लेंगे. तो ये आपको बेसिकली इंडिया में तो आप ग्रेट कर सकते हो कोकोनट लेके, बट यहाँ पर मैंने फ्रोजन लिया हुआ है. तो ये डेली डिलाइट से आपको फ्रोजन ग्रेट कोकोनट मिल जाएंगे. तो सबसे पहले इसको हम अपने मिक्सी में डालेंगे. इसमें हम ऐड करेंगे 2 प्याज के टुकड़े, 2 हरी मिर्च, 2 जिंजर और थोड़े से कैश्यूज में ऐड कर रही हूँ थिकनेस के लिए. इसमें हल्का सा आप सॉल्ट भी डाल सकते हैं. और अब हम इसको हम ग्राइंड कर लेंगे. अपना तो हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है. अब हम उसमें लगाएंगे तड़का. तो सबसे पहले उसके लिए हम एक पैन रेडी कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल. इसको हम हीट होने देंगे. ऑयल हमारा ऑलमोस्ट अब इसमें ही हीट अप ऑलमोस्ट हो चुका है. अब हम इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, मस्टर्ड सीड्स, और कुछ करी पत्ते. और इसमें जो आपने मिक्सी बनाया हुआ था कोकोनट का वो हम डाल देंगे. और गैस को ऑफ कर देंगे. तो ये आपको बहुत फास्ट फास्ट करना है बिकॉज आपका वरना मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ते और जो आपकी लाल मिर्च है वो आपकी जल ना जाए. तो फटाफट आपको तीनों चीज़ें डाल के फिर आपका जो कोकोनट का पेस्ट है वो आपको डाल देना है. तो बस हमारी ये कोकोनट चटनी रेडी हो चुकी है. आप इसको टेस्ट करके दे सकते हैं. मैं थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की बनाई है, आप चाहो तो पतली कर सकते हो पानी डाल के. तो हमारा आलू मिक्सचर एकदम रेडी हो गया है. इसमें थोड़ी सी नमक कम थी तो मैंने थोड़ी सी ऐड की है बाद में. अदर देन दैट आई थिंक इट्स परफेक्ट. सो विल जस्ट पुट दिस ऑन द साइड एंड नाउ विल स्टार्ट मेकिंग अ डोसा. यस, गर्म है यार बहुत. I'm not gonna add the mixture on this because already बहुत ही मुश्किल से मतलब ये मैंने बनाया है. So I'm just gonna make the dosa, put it separate and put the chutney separate. Sorry guys. So guys, dosa मेरा पता नहीं कैसा ही बन रहा है. I'm just gonna flip it ताकि जो दूसरा side है वो भी थोड़ा पक जाए.
बिकॉज आई थिंक कहीं कहीं मैं लाइक यू नो पतला नहीं किया इसको, तो